मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक उसे सुनकर अपने गृह कार्य जो भी दिया गया है उसे अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, ऐसे मैं समझता हूँ। और जो भी हम पढ़ाते हैं उसे ध्यानपूर्वक आप अध्ययन कीजिए। इससे आने वाले परीक्षा हो या कोई भी आपके लिए जो ज्ञान का भंडार जो है, वो जो सीखना और सिखाने की जो प्रक्रिया है यह न रुके, इसीलिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका पाठ्य पुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 2, जिसके अंतर्गत पद्य भाग में से पाठ संख्या 4 इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है मनुष्यता, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो लगातार अब तक हमने 1 से 5 पंक्तियों का अध्ययन किया। आज हम उसी प्रकार 5वें 6वें पंक्ति का हम विवरण करेंगे, जो इस प्रकार है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परंपरावलंब से उठो तथा बड़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार जो बहुत ही सुंदर कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मनुष्यता का, हम इस पंक्ति को पढ़ने से पहले पहले पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य का जीवन जो है, एक बार जन्म लेता है तो वह मरना तय है। इसके बीच बीच उसे अच्छे सत्कर्म करके जो है उसकी मृत्यु जो है सुमृत्यु कहलाए, ऐसे उन्होंने संदेश दिया। दूसरे पंक्ति में यही कहा है कि माँ सरस्वती जो है उसी मनुष्य का गुणगान करेगी जो आत्मीयता, दूसरों के साथ आत्मीयता और अपनत्व का अनुभव करे, उनको ही ऐसे माँ सरस्वती जो है उन्हें गुणगान करती है। और आपका जो मनुष्यता जो है सदा सदा के लिए गूंजता रहेगा, ऐसे दूसरे पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त का विस्तृत अध्ययन किया। तीसरे पंक्ति में यही कहते हैं कि राजा महाराजाओं का उदाहरण दिया है, जो मनुष्य के लिए मनुष्यता के लिए अपने प्राणों का निछावर दिया है। राजा रंतिदेव भिक्षु को अपना थाला, भोजन का थाला उन्हें देना, या दतीची ऋषि हो उसी नर जो अपना मांस देना शरीर का, कर्ण जो है अपना कर्ण कवच दो दान देना। इस तरह मनुष्य मनुष्य के लिए मरते आप देख रहे हैं, मरते हैं जीते हैं एक साथ, यह मनुष्यता कहलाता है, मैनहुड ह्यूमैनिटी आप कह सकते हैं। उसी प्रकार चौथे पंक्ति में यही कहा है कि मनुष्य में मन में सहानुभूति होना है। सहानुभूति जो इस प्रकार होनी है कि दूसरों के दुख को देखकर अपने मन में करुणा का जो भाव है उत्पन्न होना है, और सहानुभूति ज़्यादा से ज़्यादा होना है। इस विषय पर चौथे पंक्ति में उन्होंने विस्तृत जो है हमें बताने की कोशिश की है। 5वें पंक्ति में जो हमने पिछले वीडियो में इसका अध्ययन किया, जो गरीब हैं दीन दयालु हैं उनके लिए सदा भगवान जो है त्रिलोचन भगवान जो है उनकी मदद करता है। तो उसी प्रकार इसीलिए वे कहते हैं कि घमंड मत बनिए, घमंडी मत बनिए। आपके पास पैसा है इसका अर्थ यही नहीं कि आप घमंडी हैं।
घमंडी या अभिमान मत रखिए, क्योंकि जो दीनहीन है संसार में उसका कोई साथी नहीं है। वैसे लोगों का जो है त्रिलोकनाथ जो है भगवान उनकी सुरक्षा करता है। मनुष्य किसी ना जो भगवान है किसी ना किसी रूप में आकर उनको बचाता है। तो हमने पिछले वीडियो में वही चित्र सहित देखा कि किस रूप में भगवान हमें मदद करते हैं, जो दीनहीन लोगों की किस तरह गरीबों की मदद करते हैं उसको देखा। आज हम छठी जो पंक्ति है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लेंगे। अनंत यानी असीमित या विशाल कह सकते हैं, जिसका अंत ना हो। अंतरिक्ष यानी आकाश या क्षितिज भी कह लीजिए। देव यानी देवता, दूसरे लाइन में देखिए। समक्ष यानी सामने। स्वभाव यानी अपनी भुजाएं, तीसरे लाइन में। परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा, आप एक दूसरे के सहारे ही जीना पड़ता है। उसी प्रकार चौथे लाइन में अमर्त अंक यानी देवता की गोद, एक तो गोद है अंक का। उसी प्रकार अपंक, अपंक यानी चौथे लाइन में है देखिए। अपंक यानी दाग रहित, कीचड़ रहित, यानी जिसका कोई दाग ना हो या कीचड़ रहित यानी शुद्ध कह लीजिए। उसी प्रकार काम सरे जो चौथे लाइन में पांचवे लाइन में है, काम सरे इसका अर्थ होता है काम निकले यानी काम बनना, ऐसे होता है। तो इसका विवरण मैथिली शरण गुप्त ऐसे करते हैं, कवि कहते हैं कि ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, जो जिसका अंत नहीं है विशाल, वहाँ पर कितने जो है विशाल, इतना विशाल है कि आप पूरा जो आकाश या अंतरिक्ष हो देख नहीं पाते, उसका कुछ हिस्सा ही देख पाते हैं। वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं। तो देखिए कविता है तो आपको कल्पना लोक में डूब जाना होता है। तो मैथिली शरण गुप्त यही कह रहे हैं कि आप विशाल जो विशाल हृदय वाले लोगों को देखिए, उसी के भांति यहाँ पर आकाश को देखने की बात कर रहे हैं। वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं, वहाँ पर देवता जो हैं खड़े हुए हैं, वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु उठाकर तुम्हारे स्वागत कर रहे हैं। यानी आपका अच्छे कर्मों के कारण आपको वह बाहुएं उठाकर आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके गुणगान कर रहे हैं, वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। देखिए जो आजकल कहते हैं कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग हासिल करेंगे, जो बुरे काम करेंगे तो आप नर्क जो है वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर स्वर्ग में जो देवता हैं स्वयं बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। देखिए यहाँ भी जो है एक दूसरे मनुष्यता की बात ही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो स्वर्ग में बुला रहे हैं तो आपको वो उतनी ऊंचाई पर जाना नामुमकिन है, इसीलिए लोगों की सहारा लीजिए, सहयोग लीजिए, ताकि एक के ऊपर एक खड़ा होकर जो है आकाश की ओर आप बढ़ सके। इसका मतलब यही हुआ कि मैथिली शरण वही बता रहे हैं कि मनुष्यता है तो एक दूसरे को मदद करो, सहायता करो, इससे आप भी बढ़ेंगे और दूसरे लोग भी हैं आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको खींचना नहीं है। तो यहाँ पर भगवान के रूप में उन्होंने कहा कि स्वर्ग में बुला रहे हैं, इसीलिए आप एक दूसरे से मदद करेंगे, सहानुभूति से रहेंगे, दूसरे के दुख में करुणा दिखाएंगे तो आपको जरूर जो है आकाश की ओर स्वर्ग की ओर आप बढ़ सकेंगे। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। देखिए यहाँ पर कुछ
जो है पौराणिक या देवता की जो बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, राम के अनन्य भक्त थे, तो आपको स्वर्ग पाने की जो इच्छा है तो आप निर्मल जीवन जीने के लिए कहते हैं। जैसे निर्मल जीवन यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मैंने उदाहरण चित्र जो दिखाए हैं पहले भी, यहाँ पर क्या है, उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, उसका कोई बेटा भी नहीं है वो बच्चा, लेकिन दूसरों के बच्चों को भी वह रक्षा कर रहा है, यही निर्मल जीवन है, अपने मन में कपट नहीं है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जो है, अपना मित्र हो या अनहोनी, जो अनहोनी नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति है उसे मदद कर रहा है चलने में, तो यही निर्मल जीवन है। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, दूसरों के दुख में शामिल होना, करुणा जगना दूसरों का दुख देखकर, उसी प्रकार सहारा सहयोग देकर उठना है, वैसे लोगों को देवलोक में स्थान मिलेगा। ऐसे स्वयं मैथिली शरण गुप्त आपको या पाठकों को बता रहे हैं कि श्रोताओं को, यदि आप निर्मल जीवन जिएंगे तो आप देवलोक में स्थान पा लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, एक भगवान के रूप में जो है, एक व्यक्ति जो भूखे गरीब लोगों को, दीन बिन सहारे लोगों को, उनके लिए खाना परोस रहा है, यही निर्मल जीवन है। दूसरों के लिए जगना है, केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जगना है, उसे हम तभी कह सकते हैं कि वह देवलोक में स्थान मिल सकता है। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरों के किसी काम न आ सको। देखिए, तुम ऐसे नहीं जीना है कि आप एक दूसरे के काम ना आ सके। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो दूसरों के मदद में जो है, इस प्रकार वायरस फैला हुआ है, तो ऐसे वायरस में उसे भी धोखा है, लेकिन मनुष्यता के कारण वह लोगों को, भूखे लोगों को अपने हाथों से जो पैसे इकट्ठा करके उनके लिए आहार जो है परोस रहे हैं, यही जो है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दूसरे की काम आना चाहिए ना, बल्कि उनके काम ना आए ऐसे व्यक्ति नहीं बनना है। तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने, तुम्हारे होने से किसी का काम ना बने, सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्य के काम आए। जो सच्चा मनुष्य वही होता है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए या दूसरे मनुष्यों के लिए जो है काम आए। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में देखो एक बार, कितना विशाल है, वहाँ पर आपको तारे दिखेंगे, सब कुछ जो है बादल है दिखेंगे, तो उसकी तरह आप बनो। स्वर्ग कैसे है, विशाल है, उस स्वर्ग में आपको बहुत सारे देवताएं वहाँ पर दिख रहे हैं, स्वभाव जो बड़ा रहे, बड़े बड़े, यानी यहाँ पर आपके वहाँ पर स्वर्ग में ठहर कर, यानी आकाश में ठहर कर बाहों को या भुजाओं को उठाकर वह तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। परावलंबी से उठो तथा बड़ो सभी, यानी परावलंबी यानी दूसरों की सहायता से, एक दूसरे की सहायता करते हुए आप एक के ऊपर करते करते आकाश तक पहुंच जाइए, स्वर्ग तक पहुंच जाइए, यह परावलंबी होने से ही संभव है। ठीक है, ऐसे वे कह रहे हैं। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यानी यहाँ पर कोई आपको एक दूसरे की सहायता करते हुए आप ऊपर बढ़ो। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। देखिए, एक दूसरे से मदद से ही आप जो है ऊपर आते हैं। जी, इस तरह मत जियो कि एक दूसरे की आप किसी काम ना आ सके। दूसरों की भी आपको मदद करनी है, उनके प्रति सहानुभूति बरतनी है, ऐसे वही कहते हैं कि अंत में यही कह रहे हैं कि सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के काम आए। आप चित्र के माध्यम में वही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपने मन में कपट नहीं है, वो दूसरों के लोगों के जो है
सुरक्षा करने हेतु वह दूसरों की मदद कर रहा है। यहाँ भी एक व्यक्ति जो है बूढ़े हैं दोनों, लेकिन दूसरों के प्रति वह सहानुभूति है, उनके दुख में वह शामिल हो रहे हैं, उसे चलने नहीं आ रहा है तो उसे मदद कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ भी आप चित्र दे सकते हैं। यहाँ भी लोगों को, भूखे लोगों को पेट भरकर खाना दे रहे हैं। यही जो है, यह एक दूसरे से मदद करने से आपको यह निर्मल जीवन जो आप जी सकते हैं, इससे आप देवलोक में स्थान पा सकते हैं। आजकल देखिए, पहले बहुत ही ऐसा माना जाता था कि आप कुकर्म करोगे तो आपको नरक मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग मिलेगा। ऐसे उनको, लोगों को यह बात जहन में थी, इसीलिए लोग डरते थे। आजकल पैसे के वजह से लोग जो हैं घमंडी हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं। यह मैथिली शरण गुप्त यही कह रहे हैं कि आपको घमंडी नहीं बनना है, अभिमानी नहीं बनना है, क्योंकि दीनहीन लोगों को भी जो है भगवान की रक्षा होती है, वह रक्षा हमेशा करता है। इसीलिए आपको जो है परावलंबी बनना है, और जो है लोगों के लिए जीना है, भले ही परिवार हो, अन्य समाज के लोग हो, उनके लिए भी जगना है। केवल आप, तुम अपनी तरह मत जियो, तुम इस तरह मत जियो कि दूसरों के काम मत आए। ऐसे इसीलिए दूसरों के भी काम आए, ऐसे आपके लिए कहते हुए इस पंक्ति में यही कह रहे हैं कि आपको विशाल हृदय जैसे निर्मल जीवन जीना है, परोपकारी बनना है, और इससे आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसे लेखक कवि जो हैं आपके सम्मुख कह रहे हैं। इस प्रकार आज हमने छठी पंक्ति का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें जो है आपको यदि अच्छे काम करेंगे तो आपको देवलोक में स्थान मिलेगा, ऐसी विस्तृत जानकारी जो है पाठकों के सम्मुख लेखक कवि जो हैं रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम जो अगली पंक्ति है, सातवीं पंक्ति, उसे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप अपने घर में सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।